बिना किसी सपोर्ट के इतना कुछ कर पाना बहुत मुश्किल होता है। फिर भी जो अपने को खोता है उसे ही पता होगा। तो हम तो फ्रेंड्स, बहुत लोगों को नहीं पता कि किस तरह से मेरी लाइफ कटती है। हेलो फ्रेंड्स, सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं, सभी को राम राम, सभी दोस्तों को और हमारे चैनल पे जितने भी लोग हैं सभी को नए साल की बहुत बहुत बधाई। तो आप लोग कैसे हैं? बहुत टाइम बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ और कहने को बहुत सारी चीज़ें बातें हैं कि क्या सब्जेक्ट पे बनाई जाए, ये सारी बात सोचने में लगता है। सब्जेक्ट बहुत है बनाने के लिए, बहुत बातें हैं आप लोगों को बताने के लिए, अपनी एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ मैं। तो बहुत सारे कमेंट आप लोगों के आते रहते हैं, बहुत सारे सपोर्ट मिलते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले पिछले कई सालों से आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और नए साल में आप लोग इसी तरह से हमारा साथ देंगे और हमें सपोर्ट करेंगे। तो मैं दिल्ली में रहती हूँ, रीता मिश्रा, और मैं बहुत सारे काम करती हूँ मिला जुला। तो आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं रीता मिश्रा दिल्ली से और दिल्ली में रहती हूँ। और अपने बारे में मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं और दो बच्चों को अकेले यहाँ दिल्ली में रह के देख रेख करती हूँ, उनके पालन पोषण करती हूँ। और अभी तो मैंने काफ़ी स्टेबल कर दिया उन्हें, तो अभी छोटे नहीं रहे हैं। तो और बहुत सारे काम करती हूँ मैं, बहुत सारी जगह से जुड़ी हूँ। आप लोग फेसबुक पे, मैं फेसबुक से नहीं जुड़े हैं, जो जुड़े हैं उन्हें पता है। वैसे ही आप लोग को वहाँ यूट्यूब पे भी हमारे नए नए काम दिखते रहते हैं। वैसे मैं पत्रकार लाइन में हूँ, पत्रकारिता लाइन में हूँ, लेकिन इसके अलावा भी मैं कई काम करती हूँ, आप लोग को पता होगा। तो मुश्किल है लाइफ थोड़ी सी, काफ़ी मेहनत हो जाता है और कोई स्टेबल लाइफ नहीं है। भाग दौड़ भरी, और अपने आप को स्टेबल करने के लिए, अपने आप को एक मुकाम बनाने के लिए मैं भाग दौड़ करती रहती हूँ। तो अभी भी पिछले दिन आप लोगों ने देखा होगा कि मैं NDDY का एग्ज़ाम दे के आई हूँ। 2 दिन पहले ही, संडे को था, 2 दिन नहीं, कल ही सैटरडे संडे को एग्ज़ाम था NDDY का। तो वो वहाँ भी मैं कर रही हूँ और इसके साथ ही मैं एक और कोर्स ज्वाइन की हूँ, जैसे बता रही थी मैं, फैशन डिजाइनिंग का। तो फैशन डिजाइनिंग वाला भी कोर्स मैंने ज्वाइन किया है। तो इस तरह से मैं बहुत सारे वर्क करती हूँ। इसके अलावा घर पे काम कर, घर का काम, बच्चों की देखभाल करना, सब कुछ खुद करना होता है। और थोड़ा हेल्थ इशू भी रहता है तो मैं उसको इग्नोर करती हूँ, लेकिन फिर भी अपने टाइम से दवाइयाँ लेना, ये सारी चीज़ें भी करना है, हॉस्पिटल जाना, चेकअप कराना, सब कुछ रहता है। तो फ्रेंड्स, लाइफ बहुत ही स्ट्रगल वाली होती है, इतनी आसान नहीं होती है सबकी लाइफ। ऐसा ही है, सब कुछ अकेले करना बहुत मुश्किल होता है। तो दो बच्चों के साथ, वो भी मैं यहाँ खुद सब कुछ देख रेख करती हूँ। बहुत बड़ी जिम्मेवारी हमारे कंधे पे होती है। और आप लोगों को क्या बताना है, सबको पता ही है ये बात कि किस तरह से चलता है और कैसे नहीं। तो मैं जितना हंसती हूँ, जितना बोलती हूँ, उस तरह से उतना ही मेरी ज़िंदगी कितनी स्ट्रगल भरी है। और सारा दिन भाग दौड़, काम काम काम, और क्योंकि अपने आप को स्टेबल करने के लिए हमें बहुत मेहनत करना होता है। और मैं समझती हूँ कि अभी भी हमने कोई मुकाम हासिल नहीं किया है, बस बच्चों की देख रेख की है, उनको पढ़ाया लिखाया, अच्छी तरह से परवरिश करी, लेकिन मेरा मुकाम अभी तक हासिल नहीं हुआ है, जिसके लिए मैं अभी भी स्ट्रगल कर रही हूँ। और फिर भी ईश्वर की दया से सब कुछ अच्छा चल रहा है। पर जिम्मेवारियाँ हमारी यहीं ख़त्म नहीं होती है, बहुत सारी जिम्मेवारियाँ बाकी होती हैं, हमें पूरा करना होता है। और
अपने आप को एक मुकाम पे देखना चाहती हूँ मैं। पता नहीं ये कर पाऊँगी कि नहीं, पर बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो मैं चाहती हूँ कि अपने एक एक मुकाम अपना बना लूँ, ताकि मुझे किसी के मोहताज नहीं रहना पड़े। अभी तक तो भाग दौड़ वाली लाइफ, मैंने यहाँ वहाँ भाग दौड़ करके पत्रकारिता लाइन, आप लोगों को पता है कितना स्ट्रगल भरा है। और कहीं से पत्रकार लाइन में जो भी है उनको अच्छी तरह से पता होगा कि उनकी लाइफ कितनी स्ट्रगल वाली है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही मुश्किल है। तो आज भी अपने आप को एक मुकाम पे देखना चाहती हूँ मैं, और शायद भाग्य में है कि नहीं ये तो नहीं कह सकती मैं, कितना कुछ लिखा है नहीं है। तो ऐसे ही है, बहुत सारी बातें बताने के लिए है, बहुत सारी बातें आप लोगों से करने के लिए है। एक एक करके, धीरे धीरे करके आप लोगों से टाइम टू टाइम मैं ऐसे ही बात करती रहूँगी, और अपनी अपनी एक्सपीरियंस सब मैं शेयर करती रहूँगी। आप लोग ऐसे ही हमारे चैनल पे प्यार बनाए रखना, देखते रहना आप लोग, क्योंकि मेरे से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। मैं सिंगल मदर हूँ। सिंगल मदर मतलब सिंगल पेरेंट्स, मदर तो सिंगल ही होती है, सिंगल पेरेंट्स हूँ। बच्चों को अकेले देख रेख करती हूँ दिल्ली में, उनको स्टेबल बनाया है, कोई उनको कमी नहीं रखी है। फिर भी काम हासिल करना चाहती हूँ मैं, अपनी एक जगह बनाना चाहती हूँ। मैंने ऐसा लगता है कि मैंने कुछ नहीं किया, बच्चों को लगता है कि नहीं मैंने उनको तो पढ़ा लिखा दिया, उनको तो काबिल बना दिया, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने नहीं कुछ किया अपने लिए। तो बहुत सारी चीज़ें बाकी है, इसलिए स्ट्रगल चलती रहती है, निश्चिंतता नहीं रहती कि चैन की रोटी खा सके बैठ सके। हेल्थ इशू रहता है थोड़ा बहुत, हेल्थ खराब रहता है, इग्नोर करती हूँ मैं। जैसे कुछ इधर पेन हो रहा है, कुछ कहीं पेन हो रहा है, फिर भी मैं अपने काम पे निकल जाती हूँ। अब मैं कल परसों एग्जाम देने जा रही थी, और मेरी सांस फूल रही थी, तो और पेन पेन हो रहा था, तो मैंने गाड़ी में ही दवाइयाँ ली, दवाइयाँ लेके बस एग्जाम देने चली गई। तो मतलब हेल्थ के लिए मैं अपना काम नहीं रुकती हूँ, जिंदगी में भाग दौड़ लगी रहती है, और बहुत कुछ है बताने के लिए। तो मैं सोचती हूँ कि एक तो मैं एक चीज़ तो बहुत पिछले साल की बात है, आप लोग को जाने वाला साल हमारा बहुत कुछ छीन गया, बहुत कीमती चीज़ छीन गया। हमारी छोटी बहन जो थी, बहुत हम लोग प्यार करते थे, वो दूर तो थी लेकिन वो खुश थी, ये सोच के हम लोग भी खुश थे कि चलो वो खुश है। वरना उसको कोई तकलीफ होती तो हम लोग कोई भाई बहन उसे अकेला नहीं छोड़ते। तो मैं भी कई बार उसको बोली थी चलो मेरे साथ, नहीं वो नहीं आती थी, तो बिल्कुल स्वस्थ थी और मेरे से 3 साल छोटी थी, और वो छोड़ के चली गई। तो पिछले साल हमारा बहुत बुरा रहा। बस क्या बताऊँ, पिछले साल के कई साल तक हम लोगों के लिए बहुत बुरा रहेगा, क्योंकि एक होता है अपना खून है, उसको कोई बीमारी नहीं हुई थी, एकदम से अचानक से कुछ ऐसे हो जाना ना बहुत बुरा लगता है। मैं हमें ऐसा उम्मीद नहीं था कि इस तरह से होगा, और मम्मी पापा का तो जाने का उम्र था, वो गए तो उतना ज़्यादा झटका नहीं लगा था, क्योंकि उनका उम्र था, शरीर में तकलीफ थी, बीमारियां बहुत सारी थी। लेकिन बहन को कुछ नहीं हुआ था, और एकदम एक दिन पहले, एक दिन क्या रात को हम लोगों से बात की अच्छे से, और एकदम स्वस्थ थी। एकदम से उसका चला जाना ना हम सबको सदमे में डाल दिया है, और इसलिए हमारा पिछला साल बहुत बुरा रहा, और आने वाला साल अच्छा हो बीते, और कुछ इस तरह की खबर हम लोगों को ना सुनने को मिले, किसी के साथ बुरा ना हो, यही कामना है। आप सब लोग भी अच्छे से रहें। तो फ्रेंड्स, कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं आप लोगों से शेयर करने के लिए, और लाइफ बहुत स्ट्रगल वाली है।
जाने कितने सालों से सोच रही हूँ कुछ चेंज होगा, कुछ अच्छा होगा, कुछ कुछ नहीं होता। कोई कोई ज्योतिष, कोई आपको राशिफल देखो, कुछ भी देखो, कुछ भी काम नहीं करता। आपकी जब जो किस्मत में लिखी होती है ना, वही होती है। मैं जबरदस्ती फेस पे हंसी लाने की कोशिश कर रही हूँ, पर मेरा मूड अच्छा नहीं है। मूड अच्छा नहीं है मतलब कुछ ऐसा है ही नहीं जिससे आदमी खुशी हो। लाइफ में कुछ एस्टेब्लिश कुछ नहीं है से क्या कहा जाए। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। हमारी दुनिया बस आप लोगों के साथ ही है। और आज 1 जनवरी था, 31st भी हम लोग ऐसे ही उदासी में ही बिताए। कोई हम लोग पार्टी वार्टी नहीं करते हैं। वैसे भी जहाँ रहते हैं वहाँ की सोसाइटी अच्छी ऐसी नहीं है जहाँ पे हम लोग मेलजोल रख सके। अब फर्स्ट था तो आज भी कुछ ऐसा विशेष था नहीं करने को। बस अपने आप को बस ही बिजी रखना होता है। ज़िंदगी किसी तरह से कटी जा रही है और कुछ अच्छा होने की आस में सब कुछ छूटते जाता है। अभी जो छूट गया हमारा सबसे बड़ा नुकसान हो गया। जो छूट गया वो वापस नहीं आता है। बहुत लोगों के लिए ये पिछला साल बुरा रहा होगा। ऐसे ही खैर, हम लोगों के लिए तो वो यादें भुलाई नहीं जा सकती है। वो जो बीता हुआ साल है, जो हमारा छिन गया, वो वापस तो नहीं आ सकता है। ईश्वर की मर्जी समझ के हम सब संतोष करते हैं और कर भी क्या सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत सारी बातें हैं करने के लिए आप लोगों से। तो नेक्स्ट टाइम फिर आपसे मिलते हैं और बात करते हैं। और हमारी लाइफ के बारे में अगर आप लोग कुछ और जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिएगा। सभी लोगों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और बहुत बहुत धन्यवाद सब लोग जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। और आपका एक सब्सक्राइब जिसमें आपका कुछ नहीं जाता है, उससे हमें सपोर्ट मिलता है। आप हमें देखते हैं तो YouTube की तरफ से हमें कुछ सपोर्ट मिल सकता है, ऐसे ही उम्मीद है। तो हम लोग इसी तरह से वीडियो बना के आप लोगों तक अपनी बातें पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि आप लोग भी समझ सकें कि हाँ, सबकी लाइफ इतनी आसान नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से नमस्कार और सबको जय श्री कृष्णा। और हैप्पी न्यू ईयर सबको, सभी दोस्तों को। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।